दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रिएक्शन का शुरुआत कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन कौन शुरुआत करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्शन का शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल करेगा। कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। और ESR में एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनना कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ESR में टोटल कितना स्ट्रक्चर बनता है? पांच। पांच क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। और क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आज हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हैलोजिनेशन। और हैलोजिनेशन किसका पढ़ेंगे? क्लोरोबेंजीन का। किसका पढ़ेंगे? क्लोरोबेंजीन का। अब देखो एसन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन। तो एसन का मतलब रिएक्शन हो गया। ओके, फिर आगे बढ़े तो हेलो का मतलब सॉल्ट और जन का मतलब फॉर्मेशन। तो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट को क्या बोलते हैं? हेलोजन। और हेलोजन चार प्रकार का, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर रिएजेंट के रूप में क्लोरीन लेंगे तो हम लोग को राख प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? राख, जिसको बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं? एस। ए डब्ल एस वाला नहीं, एस एच, उसको क्या बोलते हैं? राख। और अगर आयोडीन लेंगे तो रिएक्शन क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन शो करेगा। तो हम लोग फ्लोरीन और आयोडीन नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे? क्लोरीन और ब्रोमीन। सबस्ट्रेट के रूप में सबसे पहले हम लोग क्लोरोबेंजीन ले लिए। ये हो गया बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ क्लोरो ग्रुप, इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। और रिएजेंट क्या लेंगे? क्लोरीन। क्या लेंगे? क्लोरीन। तो रिएजेंट के रूप में क्लोरीन ले लिए। और अगर रिएजेंट क्लोरीन लेंगे तो कैटलिस्ट होगा हमारा फेरिक क्लोराइड। और फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? FeCl3। तो फॉर्मूला हो गया FeCl3। ये हमारा क्या है? कैटलिस्ट। क्या है? कैटलिस्ट। इसका काम है कि इसको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करना। ये हमारा क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह क्लोरीन के भी दो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। जब क्लोरीन को तोड़े तो दो कंपोनेंट में टूटा, एक Cl प्लस और एक Cl माइनस में। तो क्लोरीन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफाइल। क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल। ये लेविस एसिड, ये लेविस बेस, ये इलेक्ट्रॉन को लाभ करेगा और ये न्यूक्लियस को लाभ करेगा। ओके, अब आए सबस्ट्रेट के रूप पे। तो देखो बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ क्लोरो ग्रुप, और क्लोरो ग्रुप के पास कितना लोन पे है? तीन लोन पे है। ठीक है। तो जब रिएक्शन का शुरुआत क्लोरो बेंजीन करता हो, चाहे रिएक्शन का शुरुआत जब कोई भी एरोमेटिक रिंग करता हो, एरोमेटिक रिंग का मतलब क्या? बेंजीन का रिंग हो, चाहे बेंजीन के जैसा दिखने वाला रिंग हो, तो वह हमेशा कौन सा रिएक्शन शो करता है? ESR। कौन सा रिएक्शन शो करता है? ESR। और यहाँ पर देखो क्लोरो ग्रुप के पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर जब बेंजीन को रिंग को देता है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाता है। ये कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस एम इफेक्ट। और प्लस एम इफेक्ट पहचाने का ट्रिक क्या था? प्लान। पी से प्लस एम इफेक्ट, एल से लोन पेयर, ए से एक्टिवेटिंग ग्रुप और एल से नेगेटिव चार्ज। तो क्लोरीन के पास लोन पेयर है तो कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस एम इफेक्ट। और जिसके पास प्लस एम इफेक्ट होता है वह कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब देखो मामला, ये Cl प्लस है, ये माइनस है। ओके, ये माइनस आया किसी से? जब यहाँ हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन और कार्बन में ताकत किसका ज्यादा है? कार्बन का। तो कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीना तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज। तो रिएक्शन का शुरुआत कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल।
इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब रिएक्शन का शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल करता हो तो हम इस तरह बोलेंगे ट्रिक के पर कि एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल क्लोरो नियम आयन है और जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल हमेशा फिक्स होता है, वो क्या है एच प्लस, इसको प्रोटोन बोलते हैं। और गाना गा के जाता अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। तो ये एच प्लस सी एल माइनस को लेकर भाग दिया और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बना लिया एच सी एल। अब देखो क्लोरो बेंजीन था तो दो मॉलिक्यूल, सबसे पहले हम लोग क्लोरो बेंजीन बना लिए, ये हो गया मेरा क्लोरो बेंजीन और ये और मॉलिक्यूल हो गया मेरा क्लोरो बेंजीन। अब देखो अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, अब क्लोरो ग्रुप था तो यहाँ पर क्लोरो ग्रुप लगा दिया। ओके अब क्लोरो बेंजीन तो क्लोरो बेंजीन, अब ऑर्थो पोजीशन, अब मान लो सर हम यहाँ जोड़ना चाहते हैं तो माइनस प्लस बॉन्ड, यहाँ पर भी ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा क्लोरो, ठीक है तो ऑर्थो वाला काम खत्म हो गया, क्या बच गया मेरा पैरा पोजीशन। अब ये माइनस और ये प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, अब सी एल ग्रुप था तो यहाँ पर सी एल ग्रुप लगा दिए। ओके क्लोरीन को तोड़े थे तो दो कंपोनेंट में टूटा होता है, सी एल प्लस और एक सी एल माइनस में, और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर था। तुम जब प्रैक्टिस करो तो इस फॉर्मेट को दिखाना ताकि तुमको पता चले कि रिएक्शन हम क्या करने वाले हैं, एग्जाम में मत दिखाना, तुम जब पढ़ोगे तब हमेशा ये नेगेटिव के साइन दिखाना कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहाँ बढ़ रहा है, दिमाग में जब सेटअप हो जाएगा तो धीरे धीरे तुमको सब पता चलेगा कहाँ किसे क्या होता है। अब देखो इसका यूपेक नेम बोलो, यूपेक नेम क्या होगा 1,2-dichlorobenzene, इसका यूपेक नेम हो गया 1,2-dichlorobenzene। नंबर नंबर आओ नंबर अल्फाबेट जाओ, इसका यूपेक नेम क्या हो गया 1,4-dichlorobenzene। नंबर नंबर आओ नंबर अल्फाबेट जाओ, इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1,4-dichlorobenzene। अब हम लोग के पास कंफ्यूजन आ गया है सर, यहाँ तो दो प्रोडक्ट बन गया, अब कौन कम बना कौन ज्यादा बना हमको कैसे पता चलेगा। तो देखो यहाँ ये क्लोरो ग्रुप ये क्लोरो ग्रुप ये क्लोरो ग्रुप, सोचो हम ठीक है आज हम क्या है किसी से मिलने गए ठीक है, वो भी मेला का टाइम है तो हम लोग अगल बगल कार्बन पे, हम लोग कहाँ है अगल बगल कार्बन पे। यहाँ देखो ये हम है और ये हमारे फ्रेंड है तो मिलने गए तो दोनों में बहुत करीब है, ये बोलती है क्या है जी बहुत भीड़ भाड़ लग रहा है, भीड़ भाड़ ज्यादा है यहाँ पर, भीड़ भाड़ क्या है ज्यादा है, तो भीड़ भाड़ ज्यादा तो मजा कर अब कॉन्सर्ट में आ रहे, तो भीड़ भाड़ ज्यादा है तो बनने का क्षमता कम, बनने का क्षमता कम तो स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम तो बनेगा तनिशुन और तनिशुन बनेगा मतलब माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा माइनर प्रोडक्ट, समझा। यही भीड़ भाड़ ज्यादा है इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, केमिस्ट्री में स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं दोस्त, ठीक है रीजन पूछेगा तो रीजन एक ही टू है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से ये कम मात्रा में बनता है। अब यहाँ देखो ये और ये बहुत दूर दूर समझा, मिलबो नहीं करता कभी, ये देखो बहुत दूर दूर ठीक है बहुत दूर दूर, तो स्टेबिलिटी क्या हो गया ज्यादा, भीड़ भाड़ हो गया कम, तो बनेगा भर भर के, ये हमारा कैसा प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट। तो 1,4-dichlorobenzene हमारा हो गया मेजर प्रोडक्ट और ये हमारा क्या है क्लोरो बेंजीन, यहाँ लिखिए क्लोरो बेंजीन। तो बोलो जब क्लोरो बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं हेरी क्लोराइड के प्रेजेंस में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1,2-dichlorobenzene एंड 1,4-dichlorobenzene बनता है।
जहाँ पर 1,4-dichlorobenzene हमारा मेजर प्रोडक्ट है और 1,2-dichlorobenzene हमारा माइनर प्रोडक्ट है। तो माइनर प्रोडक्ट होने की वजह से एस्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, मेजर प्रोडक्ट होने की वजह से एस्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो हैलोजेनेशन में मेन प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट बन रहा है, ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट। तो पैरा प्रोडक्ट हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट, और ऑर्थो प्रोडक्ट हमारा माइनर प्रोडक्ट। तो मेजर क्यों है, क्योंकि इसके पास एस्टेरिक हिंड्रेंस कम है, एस्टेरिक हिंड्रेंस कम है। और ये माइनर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एस्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा है, यहाँ भीड़ भाड़ कम है। तो देखो सबसे पहले हैलोजिनेशन, पॉइंट नंबर वन को हैलोजिनेशन लैंग्वेज दिखा रहे, देखो वे क्लोरोबेंजीन, देखो वे क्लोरोबेंजीन इज रिएक्टेड विद क्लोरीन, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ हेवी क्लोराइड, और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ हेविक ब्रोमाइड। देखा ना, देन ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट इज फॉर्म इन विच पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। अब रिएक्शन लिखो, तो अब हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में क्लोरो बेंजीन का रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ किए थे तो कैटलिस्ट क्या लिए थे, हेविक क्लोराइड। और मेन प्रोडक्ट जो बना था वो क्या बना था, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। क्या बना था, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट कौन था, पैरा प्रोडक्ट, और माइनर प्रोडक्ट कौन था, ऑर्थो प्रोडक्ट। बस इतना ही याद रखना, ठीक है। और सबस्ट्रेट के रूप में हम लोग ब्रोमो बेंजीन ले रहे, क्या ले रहे, ब्रोमो बेंजीन, योगे मेरा ब्रोमो बेंजीन। और रिएजेंट के रूप में ब्रोमीन ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, ब्रोमीन को। और कैटलिस्ट हमारा फेरिक ब्रोमाइड है, कैटलिस्ट हमारा क्या है, फेरिक ब्रोमाइड। तो फेरिक ब्रोमाइड का काम क्या है, रिएजेंट को इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में बदलना। तो ब्रोमीन को तोड़े तो दो कंपोनेंट में टूटा, एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। तो Br प्लस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, और Br माइनस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा लेविस एसिड, ये लेविस बेस, ये इलेक्ट्रॉन से लव करेगा और ये न्यूक्लियस से लव करेगा। अब ब्रोमीन के पास कितना लोन पेयर, तीन लोन पेयर। तो ब्रोमीन के पास तीन लोन पेयर, तो यह लोन पेयर किसको देगा, बेंजीन के रिंग को। और बेंजीन के रिंग को दिया तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ गया। तो ये हमारा कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट। और प्लस एम इफेक्ट शो करने वाला कैसा ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये हो गया मेरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब ब्रोक देखो यहाँ पे, ये नेगेटिव है, यहाँ से क्या निकलता था, H प्लस, क्या निकलता था, H प्लस।
और एक पास गाना गा के निकलता था कि अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। एच प्लस किसको लेके भागा, बी आर माइनस को, और बाय प्रोडक्ट में क्या बना लिया, एच बी आर। अब देखो ब्रोमो बेंजीन है, यहाँ पर हम दो ठो ब्रोमो बेंजीन बनाए, कितना ब्रोमो बेंजीन बनाएंगे, दो पीस। ये हो गया मेरा पहला ब्रोमो बेंजीन और ये हो गया मेरा दूसरा ब्रोमो बेंजीन। अब देखो मामला, ये मेनस और ये प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर एक ब्रोमो ग्रुप लटक गया। अब फिर ये मेनस और ये प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अब ब्रोमो ग्रुप अगल बगल कार्बन पे, इसका यूपेक नेम बोलो, 1,2-dibromobenzene, इसका यूपेक नेम हो गया 1,2-dibromobenzene, इसका यूपेक नेम बोलो 1,4-dibromobenzene। नंबर नंबर आओ यहाँ पे जाओ, यहाँ पर क्या देंगे, आओ यहाँ पे जाओ। अब बोलो यहाँ भीड़ भाड़ कम की जायदा, जायदा भीड़ भाड़ जायदा, तो बनने का क्षमता कम, बनने का क्षमता कम तो स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम तो कहलाने वाला प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट हो गया, माइनर प्रोडक्ट। अब जो जो यहाँ पर उसको उल्टा के यहाँ बोल दो, यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा और भीड़ भाड़ कम तो बनने वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट। तो बोलो जब ब्रोमो बेंजीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं, ब्रोमीन के साथ करते हैं, फेरिक ब्रोमाइड के प्रेजेंस में, फेरिक ब्रोमाइड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में, मेन प्रोडक्ट के रूप में, 1,2-dibromobenzene, 1,2-dibromobenzene और 1,4-dibromobenzene बनता है, जहां पर 1,4-dibromobenzene हमारा मेजर प्रोडक्ट है और 1,2-dibromobenzene हमारा माइनर प्रोडक्ट है। अब बोलना कुछ पूछ रहे हैं, वो खासम खास प्रोडक्ट जो तनी सुन बनता वो कौन सा प्रोडक्ट कहलाता है, माइनर प्रोडक्ट। वो खासम खास प्रोडक्ट जो भर भर के बनता मेजर प्रोडक्ट। तो हैलोजिनेशन इन क्लोरोबेंजीन में बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट, जहाँ पर पैरा हमारा मेजर प्रोडक्ट है। अगर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते थे तो कैटलिस्ट क्या लेते थे, फेरी क्लोराइड, और प्रोडक्ट क्या बनता था, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट, जहाँ पर पैरा हमारा क्या होता था, मेजर प्रोडक्ट। अब फिर रिएजेंट के रूप में, सॉरी सबस्ट्रेट के रूप में ब्रोमो बेंजीन लिए, तो रिएजेंट क्या लेंगे, ब्रोमीन, और कैटलिस्ट क्या लेंगे, फेरिक ब्रोमाइड, और बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट, जहां पर पैरा हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो पैरा मेजर प्रोडक्ट है तो स्टेबिलिटी कम की ज्यादा, ज्यादा भीड़ भाड़ कम की ज्यादा, कम स्टेडी हिंड्रेंस कम। देखो